सब दिन परिवार समझलक है, दया दृष्टि डोल गए हमरो सबके कि न एक मुखिया बनने बड़ा जरूरी है। दीपक जी के क्रियाकलाप से हम लोग काफी संतुष्ट हैं। इन्होंने बूढ़े से लेकर के बच्चे तक घर घर का यार बना हुआ है। हम जो चुन रहे हैं इसमें सारे जाति का वोट हमें मिला है। ये खुशी की बात है कि जातिवाद फैक्टर ही समाप्त हो गया हमारे चुनाव में। हर गरीब गुरबा के दिल में बसे हुए थे, कर्म किए हुए थे, कभी ये आत्मा नहीं कहता था हम चुनाव हार जाएंगे। इनसे हर एक वर्ग के आदमी को खुशी होगी। सत्य परेशान होता है कि पराजित नहीं। गरीब का हक जो है वो हर दरवाजा पर पहुंचेगा, चाहे वो पशु सेठ हो कि प्रधानमंत्री आवास हो कि मनरेगा योजना हो, सबको धरातल पर बिना उतारे हुए हम दम नहीं लेंगे यदि आशीर्वाद मिला। सहरसा की माटी के एक लाल की कहानी है ये, जिसने एक जिद ठानी, जिसने संघर्ष को चुना। दिखाई नहीं दे रहा इन लोगों को, यदि हम लोगों की मांग पूरा नहीं हुई इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। जिसने समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ये कहानी है दीपक कुमार की। जनता से जहां भी जाते हैं हमको बहुत सम्मान मिल रही है। नौनैती के दीपक कुमार जो सहरसा शहर से 45 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। 11 नवंबर 1980 को नौनैती में दीपक कुमार का जन्म हुआ था। गांव में दीपक का परिवार रसूखदार था, परवरिश अच्छी खासी हुई। गांव के स्कूल से शिक्षा दीक्षा शुरू हुई थी दीपक कुमार की। फिर हाई स्कूल के लिए उन्हें सहसौल जाना पड़ा। कॉलेज की पढ़ाई के लिए दीपक सहरसा पहुंचे। दीपक को आगे पढ़ाई करने की चाह थी, लेकिन उससे बड़ी थी कुछ जिम्मेदारियां। ये जिम्मेदारी जुड़ी थी गांव नौनैती से, उन लोगों से जिनके बीच दीपक पले बढ़े। उनकी खातिर दीपक ने अपना भविष्य समाज सेवा में देखा। इस संकल्प की सिद्धि के लिए दीपक को एक मार्गदर्शक की दरकार थी। समाज सेवा में यह आदर्श एक ही हस्ती बन सकती थी, ये कोई और नहीं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव थे। दीपक कुमार ने पप्पू यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू किया। गरीबों, वंचितों, शोषितों और दलितों की सेवा तन मन धन से दीपक कुमार ने की। लेकिन इस सेवा को बड़े फलक पर ले जाने के लिए दीपक को राजनीति में उतरना था। दीपक कुमार ने अपने सियासी सफर का आगाज 2016 के पंचायत चुनाव से किया। हालांकि दीपक को पहले शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन उनके इरादे अटल थे, समाज सेवा का संकल्प चट्टान सा था। दीपक ने संघर्ष जारी रखा। आखिरकार 2021 में दीपक कुमार ने मुखिया चुनाव में इतिहास रच दिया। दीपक कुमार की इस जीत ने नौनौती गांव में जाति के सारे बंधन तोड़ डाले। हर वर्ग ने उन्हें अपना मुखिया चुना। इस ऐतिहासिक विजय के साथ दीपक कुमार की जिम्मेदारियां भी बड़ी हो गई। आज हम दीपक कुमार से जानेंगे नौनैती गांव को लेकर उनका विजन क्या है। देखिए ये खास मुलाकात दीपक कुमार के साथ। ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कहीं एसी हॉल में नहीं बैठे हैं। आज हम शहर से 40-45 किलोमीटर दूर एक गांव है नौनैती गांव, और ये अथलका पंचायत में पड़ता है नौनैती गांव। और आज हम इसलिए बैठे हैं कि आज हम जो भी इंटरव्यू करेंगे और ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो इस गांव का, इस पंचायत का 45 साल का इतिहास इन्होंने तोड़ा हुआ है।
मुखिया का इलेक्शन लड़के और काफी मेहनत करके, और आप जब हम इनसे उम्मीदवार से मुखिया जी से आपको बात करवाएंगे तो ये खुद बताएंगे कि कितना संघर्ष रहा ये चुनाव इनके लिए। मुखिया जी, सोशल ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। जी प्रणाम। सबसे ये पहले बताइए कि ये इतिहास आपने ऐसे कैसे तोड़ दिया? देखिए, 2011 ईस्वी से हमारे मन में आया कि ये समाज की जो दिशा है ये भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा था, लेकिन जमीन पर सिर्फ दलाली, जितना प्रतिनिधि बनते थे, हम तो देखें यही कि जनप्रतिनिधि होता है एक भगवान का रूप होता है और जनता जो होता है वो बेचारा होता है, जनता जो गरीब जनता है। सरकार की जो भी योजना आती है वो गरीब के लिए ही आती है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो होते थे या जो भी इससे पूर्व थे, सिर्फ वोट की राजनीति, जो वोट दिया उसकी सेवा करना है, जो नहीं दिया उनको वंचित रखना है। हमने 11 ईस्वी से ये ठान लिया कि जनसेवा करना चाहिए और जो सही है उस पर कदम पर हमने चलना शुरू किया। 11 ईस्वी के बाद 16 ईस्वी में हमने मुखिया की चुनाव लड़ा, उस चुनाव में 539 मत मुझे प्राप्त हुआ, बहुत खुश हुए हम, प्रथम बार लड़े हुए थे। उसके बाद हम गरीब के लिए, गरीब के अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया। आज 10 वर्षों से, 16 के बाद ये 21 है, 5 वर्षों से हम देख रहे थे प्रधानमंत्री आवास जब मिलती थी तो गरीब जो था उनसे 20,000 रुपया मांगा जाता था। हम उस पर स्टेप लिए और स्टेप लेने के बाद करीब 20 आदमी का हमने प्रधानमंत्री आवास वीडियो साहब से आवेदन करके, लोक शिकायत जा करके, मुफ्त बिना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हमने आवास दिलाया। वृद्धा पेंशन 1160 आज तक में हमने किया, अपने कमाई की राशि बाल बच्चे की पेंट नहीं खरीदे लेकिन गरीब के पीछे लगाए, जिसका परिणाम एक तरफ 40 लाख कोई उम्मीदवार खर्चा किए, नाम क्या कहेंगे, नाम नहीं कहना चाहते हैं, और एक तरफ 25 लाख, एक तरफ 12 लाख, हमारे पास में एक पैसा नहीं था, बिना पैसा का हमने चुनाव लड़ा हूं। और सफलता ये गरीब की सफलता है, ये गरीब जनता की सफलता है, ये दीपक की सफलता नहीं है। या रूपम मिश्रा महिला सीट थी इसलिए अपने पत्नी को खड़ा किए और हमने संघर्ष का परिणाम आज देखने को मिला कि सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य होता है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म का विजय हुआ, सत्य असत्य की लड़ाई में सत्य का विजय हुआ। अच्छा जी, ये बताइए कि आपका जो काम करने का तरीका है, अपने जनता को बताइए कि आप काम कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि चुनाव ये खत्म हुआ और चुनौती आपको बहुत बड़ी बड़ी चुनौती है आपके पास, तो आप अपने काम करने का तरीका जनता को ये बताइए कि जो योजना है ये कौन कौन ऐसी योजना है, क्योंकि गांव घर में रहने वाले लोग बहुत ऐसी योजना होता है जो नहीं जानते हैं, तो जनता को बता के और उस योजना को अवगत कराएंगे, कैसा कैसा योजना है हमारे पंचायत में? देखिए, सबसे लाभकारी योजना गरीब के लिए छतदार मकान हर गरीब को मिलना चाहिए, इसके लिए हम सबसे पहले इस पर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक जो वंचित है प्रधानमंत्री आवास से उनको आवास दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। अरे तोहर के आशीर्वाद से आप पद मिलने सेवा करे ले, सेवा करबे मिला, सेवा में कोई कमी नहीं रहते, हम कतौ रहबे सेवा करबे। मनरेगा योजना से हर गरीब के दरवाजे पर पशु शेड का निर्माण हो, इसके लिए हम कार्य करेंगे, इसलिए कि जब चुनाव दरमियान में हम घूम रहे थे तो ये देखे कि गरीब का जो मवेशी है इतना कादों में, मतलब जलंग भर कादों में पूरे डूबे हुआ है, मतलब जब योजना है सरकार की, आखिर क्यों नहीं मिला उस गरीब को, मिलना चाहिए।
तो ये पशुपालन उद्योग में ये योजना आएगा? पशु सेट निर्माण मनरेगा से होती है। अच्छा। और हर व्यक्ति का निर्माण होना तय है, जो कि नहीं कर सके, जो भी प्रतिनिधि नहीं किए, हम उस पर काम करेंगे, पशु सेट का निर्माण होगी। उसके बाद बहुत सारा योजना गरीब का है जो हम जमीन पर धरातल पर उतार के रहेंगे। अभी तक जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो भी बहुत सारे योजना है, जैसे कल परसों हमने कुछ रिसर्च किया तो लगभग 21 योजना है हमारे पंचायत के अंदर। उस 21 योजना में सिर्फ 2-3 ही योजना है जो हमारे जनता को पता है शायद, और बहुत सारी योजना नहीं है। तो क्या उस योजना को आप एक प्लेटफॉर्म देंगे कि हाँ ये योजना है, इस योजना को चलाने वाला या इस योजना के हकदार कौन कौन है उसको आप बताएंगे? देखिए, जो भी योजना है वो हम सरजमीन पर उतारेंगे, ना कि कोई भेदभाव करेंगे। जैसे इससे पूर्व हम देखे हैं कि गरीब टोला में रोशनी की व्यवस्था का योजना था, लेकिन गरीब टोला को वंचित रखा गया है उस योजना से। गरीब टोला अंधेरा में रहता है, तो उस अंधेरा को दूर करेंगे हम। बिजली की लाइट लगवाएंगे, वहां पर भेपर लगवाएंगे। बहुत सारा योजना है साहब, बहुत योजना है पंचायत में, जैसे मत्स्य पालन है, उसके बाद ये दूध पालन सब, इसमें सरकार के तरफ से जो योजना आती है ये कितने स्तर तक हमारे समाज के लोगों को पहुंच पाता है? अभी तक तो बहुत योजना है जो नहीं पहुंच पाया है, आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, ये जो है मत्स्य पालन का, ये पोखर निर्माण कार्य मनरेगा से ही होती है, लेकिन किसान को वंचित किया गया है उससे, एकदम वंचित किया गया है। यदि 2 पोखर बना, लेकिन बनना था तो 2000 पोखर। यहाँ पर हर किसान को पोखर चाहिए। जिस जमीन में पानी लगता है, यदि उसमें पोखर खुना देते हैं हम, तो वहां पशुपालन होगी, आमदनी बढ़ेगी किसान का। इस पर भी काम करेंगे हम, पशुपालन भी काम करेंगे। जो गरीब है, जाता है पंजाब कमाने के लिए, यदि ये योजना है कि पशुपालन के लिए यदि 2 भैंस दिला देंगे किसी को, उनसे गुजर बसर चलेगा, तो पंजाब जाने की आवश्यकता है? यहीं पर रह करके अपना गुजर बसर करेंगे। बार हुआ है मुखिया का, इसमें जातिता फैक्टर बहुत देखने को मिला है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक जातीय समीकरण की बात है, तो हम जो चुन रहे हैं इसमें सारे जाति का वोट हमें मिला है। ये खुशी की बात है कि जातिवाद फैक्टर ही समाप्त हो गया हमारे चुनाव में। हर जाति के लोग वोट दिए हमको, हर जाति के लोग, इससे हम बहुत खुश हैं। इसलिए विकास होगी, हर जाति का वोट मुझे मिला। ये भी देखा गया है कि आपके चुनाव में बिल्कुल एक तरफा चुनाव देखा गया, आप अकेले थे, दूसरे विपक्ष के तरफ पूरे आसपास के जितने भी लोग, पूरा एकदम दल बल खम सब चीज लगा दिया आपने आपको, और वो जीता गया। आपको थोड़ा सा कभी निराश ऐसा फील हुआ कि हम शायद हम हार जाएंगे, ऐसा कभी मन में आया था? नहीं, इसलिए नहीं आया कि अपने कर्म पर विश्वास मुझे था, कर्म किए हुए थे। कभी ये आत्मा नहीं कहता था कि हम चुनाव हार जाएंगे, जबकि जिस गांव में हम रहते हैं इस गांव का 75% लोग विरोध थे, तो पर भी कभी हिम्मत ये नहीं कहा मेरा कि हम हार रहे हैं चुनाव, इसलिए कर्म किया हुआ था। और सत्य सत्य होता है, सत्य की भीड़ नहीं होती है, सत्य अकेला रहता है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होती है, ये विश्वास था मुझे। ये पहला एक मुखिया का इलेक्शन हुआ है जिसमें ये देखा गया है कि आप जो कहते हैं हम शेड्यूल कास्ट, उनके तरफ से आपको वोट बहुत ज्यादा मिला है जी, और अपने जातिता के नाम पे, जैसे हम जाति फैक्टर बताते हैं, उसमें आपको कई लोग नेगलेक्ट किए हैं, इसका हमारे पीछे से लेके अब तक कुछ न कुछ तो, या पर्सनल या प्रोफेशनल, कुछ आपको लगा कि इस पे हमको नुकसान झेलना पड़ा है? देखिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं, और वही धोखा देते हैं लोगों को, क्योंकि वो तो बुद्धिमान होते हैं, धोखा देना उनको आता है। गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब के बल पर हम जीते हैं, गरीब सत्य पर चलता है। अभी भी गरीब ईमानदार है धरती पर, गरीब ही वोट किया हमको, चाहे किसी भी जाति का गरीब हो, चाहे यादव समाज का हो कि पचपोनिया समाज का हो कि ब्राह्मण का, वो गरीब वोट दिया हमको, उसी वोट से जीते हुआ, नहीं तो संभव नहीं था जीतना। गरीब भगवान है अभी के युग का, अभी के समय का, गरीब ही ईश्वर है, ईश्वर का दूसरा रूप गरीब है।
अब आपने कुछ तो प्लान बनाया हुआ नेक्स्ट 5 साल का, जो हमको कार्य जो है, ये कार्य कैसे करेंगे, किस स्तर पे करेंगे, किन लोगों के लिए करेंगे, या आपने कुछ प्लानिंग अभी किया हुआ? हाँ, प्लानिंग किए हुए हैं पूर्व से, इससे पूर्व जिस तबके को वंचित रखा गया है, सबसे पहला काम मेरा शुरुआत जो होगा उन्हीं से शुरुआत होगा जो सबसे वंचित है समाज में, उनके लिए ही मेरी योजना की शुरुआत होगी। नहीं तो आपके जात में ब्राह्मण समाज में, आप ब्राह्मण और राजपूत के समाज में आप हैं, तो क्या उनको क्या नेगलेक्ट करेंगे आप? नहीं, ब्राह्मण हो या पचपनिया हो या यादव हो, जो इसमें पिछड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो सबसे अंतिम पौदान पर बैठे व्यक्ति है, उनसे मेरा निर्माण शुरू होगा। कोई जाति पाति, चुनाव हो गया, चुनाव खत्म, अब नई राजनीति की शुरुआत होगी। अब 10,005 मतदाता है हमारी पंचायत में, वो सब मेरा है, हमारा है, हम सबका है। मुखिया हम है, सबका मुखिया है, और हम नहीं 10,005 जनता मुखिया है, हर घर का मुखिया है, सबके लिए एक रंग काम करेंगे, एक समान काम करेंगे। बार हुआ है मुखिया का, इसमें जातिता फैक्टर बहुत देखने को मिला है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक जातीय समीकरण की बात है, तो हम जो चुन रहे हैं इसमें सारे जाति का वोट हमें मिला है, ये खुशी की बात है कि जातिवाद फैक्टर ही समाप्त हो गया हमारे चुनाव में। हर जाति के लोग वोट दिए हमको, हर जाति के लोग, इससे हम बहुत खुश हैं, इसलिए विकास होगी, हर जाति का वोट मुझे मिला। ये भी देखा गया है कि आपके चुनाव में बिल्कुल एक तरफा चुनाव देखा गया, आप अकेले थे, दूसरे पक्ष विपक्ष के तरफ पूरे आसपास के जितने भी लोग, पूरा एकदम दल बल खम सब चीज लगा दिया आपने आपको, और वो जीता गया। आपको थोड़ा सा कभी निराश ऐसा फील हुआ कि हम शायद हम हार जाएंगे, ऐसा कभी मन में आया था? नहीं, इसलिए नहीं आया कि अपने कर्म पर विश्वास मुझे था, कर्म किए हुए थे, कभी ये आत्मा नहीं कहता था कि हम चुनाव हार जाएंगे। जबकि जिस गांव में हम रहते हैं, इस गांव का 75% लोग विरोध थे, तो पर भी कभी हिम्मत ये नहीं कहा मेरा कि हम हार रहे हैं चुनाव, इसलिए कर्म किया हुआ था। और सत्य सत्य होता है, सत्य की भीड़ नहीं होती है, सत्य अकेला रहता है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होती है, ये विश्वास था मुझे। ये पहला एक मुखिया का इलेक्शन हुआ है जिसमें ये देखा गया कि आप जो कहते हैं हम शेड्यूल कास्ट, उनके तरफ से आपको वोट बहुत ज्यादा मिला है जी, और अपने जातिता के नाम पे, जैसे हम जाति फैक्टर बताते हैं, उसमें आपको कई लोग नेगलेक्ट किए हैं, इसका हमारे पीछे से लेके अब तक कुछ न कुछ तो, या पर्सनल या प्रोफेशनल, कुछ आपको लगा कि इसमें हमको नुकसान झेलना पड़ा है? देखिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं, और वही धोखा देते हैं लोगों को, क्योंकि वो तो बुद्धिमान होते हैं, धोखा देना उनको आता है। गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब के बल पर हम जीते हैं, मजबूर गरीब सत्य पर चलता है, अभी भी गरीब ईमानदार है धरती पर, गरीब ही वोट किया हमको, चाहे किसी भी जाति का गरीब हो, चाहे यादव समाज का हो कि पचपनिया समाज का हो कि ब्राह्मण का हो, वो गरीब वोट दिया हमको, उसी वोट से हम जीते हैं, नहीं तो संभव नहीं था जीतना। गरीब भगवान है अभी के युग का, अभी के समय का, गरीब ही ईश्वर है, ईश्वर का दूसरा रूप गरीब है। एक सवाल ये था कि जो काफी दिन पहले से ऐसा देखा गया है कि अथलका पंचायत, पहले अथलका पंचायत नहीं था, ये नौनैती पंचायत में आता था, तो क्या ऐसा प्लानिंग है जो अथलका पंचायत फिर नौनैती में आएगा? या देखिए, कई लोगों के मन में ये चल रहा है ऐसा, जनसंख्या के हिसाब से ये अतलखा पंचायत बहुत बड़ी है, जो नहीं रहना चाहिए। सरकार का, बिहार सरकार का नियम भी ऐसा आया है कि आज से 2-3 वर्ष पूर्व हम पढ़े हुए थे पेपर में, जिस पंचायत की जनसंख्या 12,000 से ज्यादा है, उस पंचायत को, पंचायत में पंचायत पुनर्गठन होगी। पूर्व से हमारे गांव नौनीति के नाम से पंचायत था, जो कि बाद में ये पंचायत को काट करके
अतलखा में मिला दिया गया, अतलखा पंचायत में, जो नहीं मिलना चाहिए और संवैधानिक है, इसलिए कि अतलखा पंचायत जो है वो बरेठ पंचायत से, बरेठ पंचायत में था अतलखा पंचायत, अतलखा पंचायत का 6 वार्ड को, मतलब 6 वार्ड का अतलखा पंचायत है, 10 वार्ड का नौनीति पंचायत अभी जो है वर्तमान में, 10 वार्ड नौनीति पंचायत का अतलखा में मिलाया गया है जो अव संवैधानिक है। ये 10 वार्ड की पंचायत को 6 वार्ड में नहीं मिलाया जाना चाहिए, 6 वार्ड के पंचायत को 10 वार्ड मिला जाना चाहिए। यदि इस पर हम देखते हैं क्या कैसे प्रावधान है, हम सोचेंगे कि जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ी पंचायत है, पंचायत यदि 2 हो जाए, नौनीति के नाम से पंचायत और अतलखा अपना पंचायत, इस पर हम गहन विचार करके इस पर काम करेंगे। नौनीति जो पूर्व में थी पंचायत, देवेंद्र बाबू के बाद देवेंद्र नारायण सिंह मुखिया थे नौनीति पंचायत, हाँ 1952 में जब पंचायत राज गठन हुई थी उसमें देवेंद्र बाबू मुखिया थे नौनीति पंचायत का, हम प्रयास करेंगे उनका प्रतिमा यहाँ स्कूल के बगल में लगे, जिससे कि हमारे बच्चा जो स्कूल जाते हैं कम से कम वो देखेंगे कि प्रथम मुखिया नौनीति ग्राम पंचायत नौनीति, बच्चा को ये ज्ञान होगा कि नहीं ये पंचायत नौनीति था। यदि हम लोग नहीं लड़ सके, अलग नहीं कर सके, वो बच्चा लड़ के नौनीति पंचायत को अलग कर सके, इस पर हम काम करेंगे। आपने स्कूल की बात कहा, जैसे हम देख रहे हैं कि स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल डामाडोल है, आज के डेट में आप अपने बच्चे को भी स्कूल अपने खासकर अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। कई तरह के लोग हैं जो बगल में सहरसा है वहां चले जाते हैं, गांव में नहीं पढ़ाते हैं, क्यों? कि यहां की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। तो इस शिक्षा व्यवस्था के लिए आपका क्या प्लानिंग है? देखिए मुखिया के अंदर का चीज तो ये शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक नहीं है स्कूल में, लेकिन जो भी शिक्षक हैं वो पढ़ाई करे, जब मेरी शपथ ग्रहण होगी उसके बाद स्कूल पर विशेष ध्यान देंगे हम, स्कूल सुदृढ़ हो। जो गरीब का बच्चा, गरीब को पैसा रुपया नहीं रहता है, वो 300 रुपया रोज कमाते हैं और वो ट्यूशन में चला जाता है बेचारे का, खाने पर आप हो जाता है। जब सरकार की व्यवस्था है ऐसा, स्कूल में वेतन मिलता है शिक्षक को, जो ही शिक्षक है, 7 शिक्षक 8 शिक्षक है, वो स्कूल में पढ़ाई करे, इस पर हम ध्यान देंगे निश्चित रूप से। और शिक्षक नहीं है, जितना कम है शिक्षक, उस पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेंगे कि हम लोगों को शिक्षा यहाँ दीजिए, सुदृढ़ हो शिक्षा व्यवस्था, इस पर हम ध्यान देंगे निश्चित रूप से। जो हमसे बनेगा वो निश्चित रूप से ध्यान देकर करेंगे। आप नए तौर तरीके के नेता हैं, यंग हैं और जुझारू नेता हैं। हमारे समाज में हमने कई सालों से सुनते आ रहा है कि उन्होंने पहले एक मंगवार होता था, एक अस्पताल होता था, आज के डेट में हमारे गांव आसपास के कुछ भी होता है, हम सहरसा जाते हैं, ये 40 किलोमीटर का फासला है। हेल्थ में आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है, भाड़े पर चल रही है, सोच रहे हैं जमीन, कोई जमीन मालिक देने के वाला है यहाँ पर, बात किए हैं हम, अब जब मुखिया बने हैं इस पर और बातचीत करते हैं हम। 10 कट्ठे जमीन की आवश्यकता है, वह जमीन हम उपलब्ध करवा करके यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था इस गांव में निश्चित रूप से करेंगे। और पंचायत में भी स्वास्थ्य केंद्र है अतलखा चौक पर, उसमें भी हम सोचेंगे कि डॉक्टर बैठे, उस पर भी हम काम करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, शिक्षा सुदृढ़ हो, इस पर मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड एक और सवाल है कि आज आपके रीजन में नए हैं, तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ नए हैं, तो आपका काम करने का तरीका कुछ नया होना चाहिए। हमारा जो उम्मीद है, हमारे समाज में किसी की हेल्थ खराब होती है, कुछ होता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था है जो उनको तुरंत जो है, हम कोई गाड़ी से सहरसा हो, मधेपुरा हो, या कहीं पे कोई स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाए? आपके पंचायत की कोई फंड ऐसा है? अभी पंचायत में ऐसा फंड नहीं है, लेकिन हमें ये गाड़ी है, देखते हैं बोलेरो है, पर्सनल फंड से हम पहुंचा सकते। यदि जनता को ऐसा इमरजेंसी हो जाएगा तो हम अपने तरफ से ये गाड़ी देंगे और डीजल हम देंगे, जनता को ये सुविधा हम प्रदान करेंगे अपने तरफ से। सरकार की योजना अभी वर्तमान में पंचायत में ये योजना नहीं है। तो हमारे जनता, ये आप सुन रहे हैं नेता, आपके मुखिया जी, नए मुखिया जी ये कह रहे हैं कि किसी को किसी तरह की दिक्कत हो, कहीं कोई बीमार है, उनको बाहर जाना हो, तो इनसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। इनका फोन नंबर सब जगह आपको पब्लिश किया जाएगा,
और आप फौरन इनको फोन कीजिए और ये सेवा आप ले सकते हैं। ये सेवा पर्सनल है इनका, बशर्ते आपको इनको फोन करना पड़ेगा, इनके पास आना पड़ेगा। तो ये एक नया इनिशिएटिव है और पंचायत के लेवल पे जो भी हो पाएगा, जो सरकारी फंड के तरफ से हॉस्पिटल या आपको ट्रीटमेंट की जो भी व्यवस्था होगी, ये उसके आगे भी ये कुछ प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन पर्सनल सेवा आपके लिए खुला हुआ है। ये अभी हम नीचे की सीढ़ी पर पैर दिए हैं और जनता मालिक ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, इस पर ईमानदारी पूर्वक खड़ा उतरेंगे। और ये बिहार की राजनीति में जातिवाद जो है, ये जहर है। इस जहर को मुखिया बने हुए हैं, इस जहर को सबसे पहले समाप्त करेंगे। इसी पंचायत से शुरुआत है मेरा। जब तक ये जहर को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक दिक्कत होगी राजनीति करने में। लेकिन मौका दे दिया है जनता, इस जहर को समाप्त करते हुए आगे की सीढ़ी, यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो आगे की सीढ़ी भी आगे सुनमरता विधानसभा का चुनाव जब जनरल समान होगी तो प्रयास करेंगे। हमारे गुरुदेव हैं पप्पू यादव जी, जो आज 10 वर्ष से हमको सिखाए हुए थे कि समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उनकी सेवा करो, उनके लिए सोचो। उन्हीं के अनुसार हमने आज तक चला, जिसका परिणाम सामने आया है। और यदि इस तरह से हम जाति विहीन समाज का निर्माण के लिए करते रहेंगे संघर्ष, तो यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो आगे भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मुखिया के इलेक्शन का, आसपास के कई गांव में एक क्राइम की जो देख रहा हूं कि वहां पे उसको मार दिया, उसको वहां मार दिया, ये थोड़ा सा भय बना हुआ रहता है अपने गांव समाज में कि कुछ भी हो, किसी से लड़ाई झगड़ा। इसको आप अपने स्तर से क्या, किस तरह से डेवलपमेंट करना चाहते हैं? आपका अपना यहाँ बगल में आपका पुलिस स्टेशन है, थाना है, तो आप उसको कैसे तालमेल करते हैं, जो हमारे गांव, हमारे पंचायत की खास करके जो लड़ाई झगड़ा की जो व्यवस्था है, ये जो निरंतर चलते रहता है, इसमें आप क्या बदलाव करेंगे? देखिए, लड़ाई झगड़े का मुख्य जड़ शराब है। नीतीश कुमार जी शराब बंदी तो कर दिए, लेकिन शराब बंद नहीं हुआ, जिसके कारण ये लड़ाई झंझट का जड़ जो है ये समाप्त नहीं हो रहा है। शराब बंदी जब मूल रूप से लागू हो जाएगी पंचायत में, गांव में, टोला में, उस दिन से ये लड़ाई झंझट की जो है बात, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोई लड़ाई करता है तो अपने में नहीं करता है। नहीं तो आप तो मुखिया बन गए ना, हाँ, आपके पास अब राइट है। हाँ, राइट है, हाँ, राइट है, लेकिन राइट एक मुखिया के करने से, एक मुखिया करने से नहीं होगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हर जनता, हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे कान तक आवाज पहुंचेगी तब तो हम खुश हो जाएंगे। आवाज पहुंचाने वाला ही डर जाएगा तो दिक्कत है। प्रशासनिक व्यवस्था तो कमजोर है बिहार सरकार का, मुखिया के अंदर का चीज प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, इसमें कोई दो बात नहीं है। नहीं, अगर किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो आप अपने थाना से क्या, कितना सहयोग लेंगे? अब थाना को सूचना देते हैं थाना, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम देखे हैं इस चीज को, कार्रवाई कैसे करेगी? ये शपथ ग्रहण के बाद हम इस पर एसपी साहब से मिलेंगे, वो मिल करके बताएंगे। हम लोग जो फोन करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। इसके लिए हम काम करेंगे, पहल करेंगे, विशेष रूप से पहल करेंगे। जनता मेरा अमन चैन से रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, इस पर भी मैं मूल रूप से ध्यान दूंगा।